फ्रेंड्स वेलकम टू फेवरेट यूट्यूब चैनल मार्केट आइडिया फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम फिर से देखेंगे कि मंडे को मार्केट कैसे मूव कर सकता है और कौन कौन से स्टॉक पे बाय सेल कर सकते हैं। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर हमें कहना चाहेंगे कि हमारा एजुकेशनल पर्पज चैनल है, तो हम यहाँ पे जो भी बताया दिखा रहे हैं उसी पर एजुकेशनल पर्पज के लिए आप अपने कुछ भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लें। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट इस लेवल पे ओपनिंग हुआ। हमने आपको कहा था कि अगर इसके नीचे चलता है तो आपको शॉर्ट करना है, लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तभी आपको फर्दर लॉन्ग पोजीशंस दिखेंगे, नहीं तो नहीं दिखेंगे। और यहाँ पे लगभग वही हुआ, इसी लेवल के आसपास जबकि इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद मार्केट डायरेक्ट फॉल हुआ और इस लेवल के नीचे एक अच्छा खासा फॉल हमें दिखा। लगभग 622-540 लगभग 70-80 पॉइंट्स का फॉल हमें दिखा और उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर करके इसी जोन के अंदर कहीं पर इसका क्लोजिंग आया। हालांकि इसको हम तो नॉन ट्रेंडिंग मार्केट नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए यहाँ से इस तरह से ये एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखा। लेकिन फिर भी हमें जो जोन पिछले दिन हमने बनाया था, मतलब जो जोन क्रिएट हुआ था थर्सडे को, उसी जोन में इसका फ्राइडे का क्लोजिंग आया हुआ है। तो अब हमें अगर ट्रेड करना है तो हमें इसी जोन को ट्रेड करना है, तो ऑब्वियसली 11,680 के ऊपर आप बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और अगर आप सेलिंग के लिए सोचते हैं तो ऑब्वियसली 11,620-11,600 इस लेवल के नीचे आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर 11,680 के ऊपर आप बाइंग के लिए जाते हैं तो आपको 11,740-11,750 का यही जो रेजिस्टेंस था पहले से ही, यही रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगा। और अगर इसके ऊपर चलता है तो आपको ये लेवल दिख सकते हैं जो है 820-840, मतलब 800 से 840 के बीच में कहीं पे आपको प्राइस दिख सकता है, ठीक है। लेकिन उससे पहले नहीं दिखेगा। और अगर ये नीचे की तरफ चलता है तो पहला जो सपोर्ट जहां पे जाके ये होल्ड कर सकते हो है ये लेवल 11,540-530-550 इस लेवल के आसपास कहीं पे ये होल्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इस पे होल्ड ना करके और भी नीचे जाने लगता है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा ब्रेकडाउन हमें दिखेंगे। नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पे आके होल्ड करके यहीं पे जाके कहीं पे साइडवेज पे इसका क्लोजिंग आ सकता है, ठीक है। तो चांसेस ये हो सकता है कि अगर इस लेवल के नीचे चलता है तो हम शायद इस लेवल तक पाने के बाद यहाँ पे कहीं पे एक साइडवेज मोमेंटम देके मार्केट को मंडे को क्लोज कर दे, या फिर ये हो सकता है कि डायरेक्ट इसके नीचे मार्केट और भी ज़्यादा मोमेंटम दिखाए। और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो हो सकता है यहाँ पे जाके कहीं पे साइडवेज पे क्लोजिंग हो, या फिर ये इसके ऊपर और भी ज़्यादा निकल के लगभग इस लेवल तक आने की कोशिश करे। तो ये दोनों चांसेस है, आप इन दोनों चांसेस को ध्यान में रख के अपना ट्रेडिंग कीजिएगा। या तो इसके ऊपर बाय करना है या फिर ये 620 लेवल के नीचे सेल करना है, उससे पहले कुछ करना नहीं है। मतलब इसके बीच में कुछ मत कीजिए, क्योंकि यहां पे नो ट्रेडिंग जोन बना हुआ है, तो यहां पे कुछ फायदा आपका नहीं होगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी का व्यू। अब चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। लेकिन उस पे जाने से पहले जरूर हमें कहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप जरूर हमसे टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक को फॉलो करके जरूर हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। हम टेलीग्राम पे भी बहुत अच्छे कॉल्स देते रहते हैं फ्री में, जैसा आज हमने मारुति दिया हुआ था और उस पे बहुत अच्छा फॉल देखने को मिला था। तो आप जरूर हमें चेक कर सकते हैं टेलीग्राम के थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी का भी मोमेंटम कुछ निफ्टी के तरह ही चला। इस लेवल पे यहाँ पे इसका ओपनिंग था, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ ज़्यादा ऊपर तो नहीं गया, थोड़ा सा ऊपर गया। हालांकि इस लेवल को ये क्लियर नहीं कर पाया, इस लेवल के नीचे ही रहा। मतलब ये जो रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन को ये मेंटेन करता रहा और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से एक शार्प फॉल हमें मिला। और इस लेवल के नीचे जो हमने पिछले दिन आपको कहा था कि अगर ये इस लेवल के नीचे ट्रेड करता है तो हमें नीचे की तरफ लेवल्स दिखेंगे, और वही हुआ और बहुत नीचे आया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि हमें जो नहीं दिखा वो है, हमने आपको बताया था कि अगर ये जो लेवल है इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो हमें यहाँ तक का एक मूवमेंट दिख सकता है। लेकिन मूवमेंट इस हाई तक हुआ, ये जो छोटा सा गैप है ये गैप अभी भी बचा है, तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम पे ये भी दिख जाए। मतलब ये लेवल तक शायद यहाँ तक हमें मूवमेंट दिख जाए जो 23,450 तक शायद हो सकता है, लेकिन वो तो टाइम ही कह सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वहाँ पर हमें ये प्रूव होगा, उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर आप देखेंगे तो इस लेवल से निफ्टी कंटिन्यूसली एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाता हुआ चल रहा है। देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा ट्रेंड भी दिख रहा है जो डाउनवर्ड ट्रेंड पे बना है, डाउनवर्ड चैनल इधर भी बन रहा है। तो मतलब हम लोग एक डाउनवर्ड चैनल पे चल रहे हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, एक ये क्लियर इंडिकेशन अभी मिल रहा है। इस लेवल तक हमें नहीं मिला था, हमने आपको कहा था कि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है और अभी तक ये बॉटम ब्रेक नहीं हुआ, तो ये हमने कहा था आपको यहाँ पे इस लेवल पे हमने कहा था। तो आप देखिए
यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर डाउनवर्ड चैनल नीचे की तरफ टूटता है तो और भी नीचे जाने के चांसेस है, अगर ऊपर की तरफ टूटता है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ पुल बैक हमें दिख सकता है इस लेवल तक। लेकिन इसके ऊपर अगर चलता है तो हम फिर से कहेंगे कि हाँ अब अपवर्ड ट्रेंड पे, मतलब टेम्पोररी अपवर्ड ट्रेंड पे हम चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे टेम्पोररी डाउनवर्ड ट्रेंड पे थे तो यहाँ पे टेम्पोररी अपवर्ड ट्रेंड में हम चले जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा एनालाइज कर ले हम लोग कि मंडी का कौन से लेवल्स हो सकते हैं, तो देखिए 24,000 के ऊपर आपको बाय करना है और 23,820 से लेके 800 के नीचे आप सेलिंग के लिए सोच सकते हैं। बहुत ही नैरो जोन है, 200 पॉइंट्स का जोन है। अगर 24,000 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो पॉसिबिलिटी है 24,200 या फिर इस लेवल तक जाने की, जो है 24,300 की 350 इस लेवल तक जाने के चांसेस है। और अगर नीचे की तरफ ट्रेड करता है 23,820 के नीचे या फिर 800 के नीचे तो चांसेस है कि 23,620-600 तक आए या फिर नीचे की तरफ जाके और भी थोड़ा सा जाके जो हमने लेवल को दिखाया कि 23,450-470 इस लेवल तक जाने के चांसेस जरूर बन रहे। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप मंडे का ट्रेडिंग कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए ये था बैंक निफ्टी का भी, आप थोड़ा सा स्टॉक देखेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले जरूर ये कहेंगे कि अगर आप चाहे तो आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन कर सकते, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। और अगर आप हमारे अंडर अकाउंट ओपन करते तो आपको हमारे तरफ से प्रीमियम कॉल्स एकदम फ्री में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, आप स्टॉक्स देख लेते हैं। तो पहला जो स्टॉक हम देखेंगे वह टिस्को, और इसको हम डेली में देखेंगे। तो टिस्को का अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि ये एक अच्छा रैली हुआ था, उसके बाद थोड़ा सा डाउन ट्रेंड, उसके बाद फिर से रैली। हमने आपको ये जो लेवल था इस लेवल पे बताया था कि नीचे की तरफ एक मूवमेंट आ सकता है, तो ये यहाँ पे वो मूवमेंट आया भी था, लेकिन इसने अच्छी तरह से इसको रिकवर किया और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आपको 412 के ऊपर टिस्को कल मिल जाता है तो आप यहाँ पे जरूर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। और अगर 412 के ऊपर ये चलता है तो 418-419 तक जाने के चांसेस जरूर है। तो ये भी लगभग 1-2% हो जाता है, जो इंटरडे पे अच्छा मुनाफा आप मान सकते हैं। तो इसी वजह से आप टिस्को को यहाँ पे बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जरूर रख सकते हैं। जैसे हमने कल आपको रिलायंस कहा था, रिलायंस भी बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू में, और आज फाइनली लास्ट हाफ में जाके इस पर अच्छा खासा मोमेंटम दिखा। जैसे अब देखेंगे तो हमने आपको कहा था कि आप ये जो लेवल है इस लेवल के ऊपर 2042 के ऊपर बाय कीजिए और ये आपका पहला रेजिस्टेंस बनेगा। तो इसे रेजिस्टेंस को इसने क्लियर किया और इसके ऊपर ही इसका क्लोजिंग आया। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो 2100 का रेजिस्टेंस है इसको भी ये दिखा दे। तो ये जस्ट पिछले दिन का फॉलोअप था, ये आज का ट्रेड नहीं था। हमने जो ट्रेड आज के लिए आपको दिया है वो है टिस्को। तो टिस्को आप जरूर यहाँ पे बाइंग के लिए सोच सकते हैं 412 के ऊपर, और ऊपर की तरफ आपको 418 का रेजिस्टेंस दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको जरूर इंट्राडे पे आप ट्राई कर सकते हैं मंडे को। तो चलिए और एक स्टॉक देख लेते हैं, और जो दूसरा स्टॉक हम देखेंगे वह है हम लोगों का अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आज अदानी पोर्ट पे आप देख पाएंगे कि लगभग ट्रेंडलेस पोजीशन में अदानी पोर्ट चल रहा है। मतलब अगर आप लॉन्गर टर्म पे कहेंगे कि हम कुछ 6 महीने या 8 महीने के लिए बाय करना चाहते हैं तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे लगभग ट्रेंडलेस एक डायरेक्शन, ट्रेंडलेस एक मोमेंटम है। लेकिन हम लोग तो इंट्राडे पे सोच रहे हैं तो यहाँ पे ट्रेंडलेस है या नहीं है इस समय कुछ फायदा नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना है और ये एक रेजिस्टेंस है और इसी चैनल के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, तो ये एक अच्छा चीज़ है। हम चैनल के लोअर पार्ट से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हो सकता है आने वाले कल को हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि आज एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, उसके साथ अच्छा खासा वॉल्यूम भी था, तो वॉल्यूम का सपोर्ट है। मतलब कोई ना कोई इसको बाय करने में इंटरेस्टेड है और स्टॉक भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आप जरूर यहाँ पे 363 के ऊपर बाइंग के लिए सोच सकते हैं। अगर 363 के ऊपर ये चलने लगता है तो हो सकता है आपको 370 का एक टारगेट मिल जाए और उसके ऊपर भी ज्यादा जा सकता है। लेकिन एक ही दिन में 370 मिलेगा ऐसा हमें नहीं मालूम, हम जानते भी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे आ सकता है 370। तो इस हिसाब से आप इसको कल मतलब मंडे को आप इसको बाइंग के लिए जरूर रख सकते हैं इंट्राडे पे, ठीक है। तो हम लोगों का जो स्टॉक था, दो स्टॉक हमने आपको दे दिया, एक है टिस्को और दूसरा अदानी पोर्ट्स, और उसके साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो व्यू था वो भी हमने आपको बता दिया। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और उसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दीजिएगा। और उसी के साथ अगर आपको किसी भी स्टॉक पे कुछ क्वेश्चन है, कुछ प्रॉब्लम है, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके आंसर देने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।